विचार करे तो सोच अगर अच्छी रखे तो प्राविधान सभी का है, अधिकार सभी का है। जिसका गलत मतलब कुछ निकालने वाले लोग होते हैं कि हम क्यों करें, हमें क्या पड़ी है। जब अपना समझ के करेंगे तो निश्चित तौर पे आज़ादी का मतलब मालूम पड़ेगा कि आज़ादी हमने कुछ खोके पाई है। तो जब कुछ खोया जाता है तो उसका मूल्य और बढ़ता है, और जब तक मेरा देशवासी ये नहीं समझेगा तब तक आज़ादी का मूल्य नहीं समझेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक के लिए किए जाने वाला काम हमारे लिए किए जाने वाला काम है, मेरे घर का काम है, ये सोच बढ़ानी ज़रूरी है। और इसके लिए हर एक हिंदुस्तानी आगे आके एक दूसरे का साथ दे, विश्वास से चले तो निश्चित तौर पे प्रगति और ऊंचाई तक जाएगी। निश्चित आने वाला गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त, आने वाला 15 अगस्त हमारे लिए फिर वो यादें उजागर करेगा। जिन्होंने कुर्बानी दी उनको फिर एक बार सलाम दिया जाएगा, और उनकी कुर्बानी जायज़ ना जायज़ है, जो उनकी कुर्बानी को अगर और उजागर रखना है तो निश्चित हमें और कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी कि डेडिकेशन देना पड़ेगा। घर में बैठे हो तो भी वर्दी वाले को सलाम, उसके काम को सलाम देने के लिए यहाँ से देशभक्ति चालू रखनी पड़ेगी। एक अच्छा जागरूक नागरिक बनने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हर देशवासियों को मेरी दिल से शुभकामना रहेगी, स्वतंत्र भारत, फक्र हुआ भारत, और आम हिंदुस्तानी दिल से हमेशा फक्र रखेगा। पूरे वर्ल्ड में मेरे भारत का नाम ऊंचा रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।